श्री कृष्णा। आज हम फिर से भगवत गीता के एक बहुत प्यारे श्लोक पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक कथा के माध्यम से। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जब बहुत छोटे से थे तो उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, मतलब जब वो पढ़ाई कर रहे थे उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो वो अपने गुरु के पास गए, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और बोले, गुरु जी आप काली माँ से प्रार्थना करो कि वो मेरी ये जो दुविधा है, ये जो मेरे पे संकट आ रखा है, उसे दूर करें। तो गुरु होते ही समझ आ रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि जाओ तुम काली माता के मंदिर जाओ और प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे संकट को दूर करे। अब स्वामी विवेकानंद जी काली मंदिर जाते हैं और जाते ही बोलते हैं, हे माँ मुझे भक्ति दो। अब वो गुरु जी के पास वापस आते हैं और गुरु जी पूछते हैं, क्या बोला आपने माँ से? तो बोले, मैंने तो माँ से बोला हे माँ मुझे भक्ति दो। तो गुरु जी बोलते हैं, ऐसे तो तुम्हारे संकट दूर नहीं होंगे, जाओ माँ के पास दोबारा जाओ और अपनी सुख सुविधा मांगो। अब वो माँ के पास दोबारा जाते हैं काली माता मंदिर और बोलते हैं, हे माँ मुझे भक्ति दो। वो फिर गुरु जी के पास वापस आते हैं तो गुरु बोलते हैं, क्या मांगा आपने? तो वो बोले, फिर से मैंने बोला हे माँ मुझे भक्ति दो। तो गुरु होते ही समझदार है, उन्होंने दोबारा उन्हें दोबारा काली माता मंदिर भेजा और बोला, जाओ माँ से मांगो। अब वो दोबारा मंदिर गए स्वामी विवेकानंद जी और माँ से बोले, हे काली माँ मुझे भक्ति दो। अब वो दोबारा गुरु जी के पास वापिस आए तो गुरु पूछे, मांगा क्या आखिरकार तुमने? तो बोले, मैं तीन बार मंदिर गया और तीनों बार माँ ने बोला हे काली माँ मुझे भक्ति दो। तो जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी वो हंसने लग गए, क्योंकि गुरु को तो सब कुछ ज्ञात होता है। तो गुरु बोले कि मैं जानता था तू कभी भी भौतिक सुख नहीं मांगेगा, क्यों? क्योंकि तू मेरी शरण में है। तो जो गुरु की शरण में रहता है वो उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जाता है। भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं इसी श्लोक के ऊपर, तो तिथि परिपाते न परिप्रशेन सेव्या उपदेशंती ते ज्ञानम ज्ञानम सत्व तत्व दर्शिना। इसका अर्थ क्या हुआ? हे अर्जुन जाओ गुरु के पास जाओ, उनसे प्रश्न करो, उनकी शरण लो, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान ले रखा है और वही तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता है। कहने का अर्थ है, जिसके पास ज्ञान होगा वही आपको ज्ञान दे सकता है, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो आपको क्या देगा। और गुरु कौन होता है? जो वैष्णव होता है, जो कृष्ण का ज्ञान दे। अब जब भी हम मंदिर जाते हैं, स्टोरी से हमें कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है कि जब भी हम किसी भी देवी देवता के मंदिर जाते हैं तो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हे देवी हे देवता, जो जिन्हें भी आप मानते हो, कि हमें भगवान की भक्ति दो। क्योंकि जो जितने भी देवी देवता है वो कौन है? स्वयं भगवान के अंश है। भगवान बोलते हैं, जब आप इनकी सेवा करते हो तो आप इनडायरेक्ट वे में मेरी ही सेवा कर रहे हो, वो भगवान के भक्त हैं। तो अगर हम भगवान के भक्तों से भगवान की भक्ति मांगेंगे तो वो हमें अवश्य देंगे। हरे कृष्णा।